गर्मी से लोग बेहाल है। इस गर्मी घरों से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन मजबूरी के कारण इस चिलचिलाती गर्मी में बाहर तो निकलना पड़ता ही है, लेकिन चिलचिलाती धूप में जाने से हमारी स्किन टैन हो जाती है। पर इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आखिर कैसे और क्यों धूप से हमारी स्किन टैन होती है। साथ ही आपको हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी बताएंगे जिसे फॉलो करके आप अपनी स्किन को टैन होने से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो आप उससे छुटकारा पा सकेंगे। आजकल गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, कई लोग गर्मी के कारण बीमार भी पड़ रहे हैं। इस गर्मी से बचने का सबसे अच्छा इलाज है कि अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और धूप से बच के रहें। लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर ले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें काम के सिलसिले से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तेज धूप हमारी सेहत के लिए तो खराब है, लेकिन उससे ज्यादा ये हमारी त्वचा के लिए खराब है। सूरज की किरणें हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। स्किन डैमेज के अलावा आपकी स्किन टैन भी हो सकती है। हालांकि गर्मियों के मौसम में टैनिंग की समस्या बहुत कॉमन है। अगर आप ज्यादा तेज धूप में रहते हैं तो आपकी त्वचा का रंग बदल जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हमारी स्किन धूप में रहने से टैन हो जाती है। दरअसल गर्मियों में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का रेडिएशन काफी तेज होता है, जिस वजह से किरणें हमारी त्वचा के अंदर तक चली जाती है और ये किरणें हमारी स्किन को टैन कर देती है। सीधी भाषा में अगर बात करें तो टैनिंग का एक तरह से हमारे शरीर का सूरज से लड़ने का तरीका है। वहीं अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो हमारी स्किन में मेलानिन होता है जो स्किन को गाढ़ा रंग देता है, और धूप पड़ते ही मेलानिन हमारी त्वचा को बचाने के लिए ऊपर आ जाता है ताकि हमारी स्किन ना जले और हमें स्किन कैंसर ना हो। अगर आप भी इस गर्मी में टैनिंग से परेशान है तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आप टैनिंग से आराम से छुटकारा पा सकेंगे। सबसे पहले आपको स्किन पर नींबू का रस, दही या दूध लगाना है। टैनिंग के लिए यह काफी कारगर माना जाता है। इसके साथ ही एलोवेरा जेल भी लगाने से आप टैनिंग से आराम से छुटकारा पा सकेंगे। इन सब में से किसी भी चीज को नहाते समय अपने स्किन पर रगड़ लें और उसके बाद अपने शरीर पर ग्लिसरीन वाला साबुन लगाएं। इन टिप्स को फॉलो करके आप टैनिंग से आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप पहले से ही धूप में सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं और अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा कवर करके निकलते हैं तो भी आपकी त्वचा टैनिंग से बच सकती है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।